फाइनली अभी मैं रिक्शा वाले भाई के पास आ गया हूँ और आज हमारा ये पहला दिन है जो खाना खिलाने का प्रोग्राम है। फिलहाल इनके लिए डिनर की शुरुआत की गई है, रात के भोजन का। अंकल आप बताइए, जो आपका जो चलाने का जो तरीका है, किस तरह से रिक्शा चलाते हैं और कितना पैसा हो जाता है आप? देखिए हम रिक्शा चलाते हैं, कभी चला लेते हैं। पूरी दिन चलाते हैं? पूरे दिन। अच्छा, रात में भी चलाते हैं? रातों में चलाते हैं। अच्छा, कभी 200 रुपया हुआ, कभी 100 रुपया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनकी जो दिन भर की कमाई है वो 100-200 रुपये में ही सिमट जाती है, इससे ज़्यादा इनको नहीं हो पाता है। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है इस तरह का प्रोग्राम करते हुए कि ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को हम फ्री में खाना खिला रहे हैं। इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वीक में 2 बार कम से कम हमारी कोशिश होगी कि हर सप्ताह में 2 बार या 3 बार मैं इस तरह का प्रोग्राम करूंगा। आप लोग लाइन में लग जाइए, ऐसे करके प्लेट है, प्लेट में सारी चीज़ हम देते जाएंगे, आप लोग खा लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। आप लोग लाइन में आ जाइए, चलिए। आप लोग खुश है ना? चलिए अब शुरुआत किया जाए। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हल्ला हंगामा हम आप लोग नहीं करेंगे, सब लोग शांति से प्यार के साथ खाएंगे। खाने में ये हमारा जो खाने का मेन्यू है, ये इसमें दाल है, और दिखाओ दाल अच्छे से, ये दाल है इसमें पल्स, ये भुजिया है, आलू की भुजिया है, ठीक है, और ये जो है इसमें सब्जी है, मिक्स वाली सब्जी है, ओके, और इसमें राइस है, ये राइस है पूरा, और ये जो है इसमें किस चीज़ की सब्जी है? इसमें भी सब्जी है, हाँ, ये एक अलग तरह की सब्जी है, और इसमें ये पापड़ है, ये पापड़ है, ये सारी चीज़, ये प्लेट है, ये पानी पीने के लिए ग्लास है। बिहार सरकार की ओर से भी मदद मिलनी चाहिए, यहाँ के कलेक्टर को भी मदद करनी चाहिए। बिहार में ऐसा संगठन कार्य, बिहार में ऐसा संगठन कार्य कर पूरे बिहार के लोगों का भरपेट भोजन दे रहे हैं। रिक्शा वाले लोग 50 रुपया 100 रुपया दे के फुटपाथ पर खाना खाते हैं, लेकिन सही ढंग का खाना नहीं होता है। रिक्शा वाले को चाहिए कि कम से कम यहाँ ऐसे रुपया देकर अगर खाना खाते तो कहीं उससे बेहतर खाना और भी कल से ये लोग खिला सकते हैं।